कंगना रनौत की फिल्म तेजस को लेकर केआरके यानी कमाल अर खान का अजीब बयान। केआरके ने कहा, फिल्म तेजस 1 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नहीं ले पाएगी और 8-10 करोड़ तक सिमट जाएगी। अपकमिंग फिल्म तेजस को लेकर कमाल अर खान का कंगना रनौत पर हमले तेज। कभी शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्मों को लेकर भी काफी नेगेटिव बयान दिया करते थे कमाल अर खान। अपने आप को बताते हैं देश का नंबर 1 फिल्म क्रिटिक। जी हाँ, बता दें कि एयरफोर्स की पायलट के जीवन पर बेस्ड फिल्म तेजस इसी महीने रिलीज होने वाली है, जिसमें कंगना रनौत लीड रोल में है। तो वही फिल्म के रिलीज से पहले ही केआरके यानी कमाल अर खान ने एक ट्वीट कर लोगों को काफी हैरान किया है। बता दें कि कंगना रनौत के इस अपकमिंग फिल्म के चर्चे काफी हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सर्वेश मेवाड़ा ने और ये फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। अपने दबंग और बिंदास अंदाज के कारण कंगना रनौत अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन अब कंगना के इस फिल्म पर केआरके यानी कमाल अर खान ने एक ट्वीट किया है। बता दें कि रिसेंटली ऑर्मैक्स ने फिल्म तेजस की कमाई को लेकर ये उम्मीद जताई थी कि ये फिल्म ओपनिंग में ही करीब 1.3 करोड़ की कमाई कर सकती है, लेकिन कमाल अर खान ने इस प्रेडिक्शन को 100% गलत बताया। फिल्म को लेकर केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऑर्मैक्स तेजस की संभावित ओपनिंग कमाई 1.3 करोड़ बता रहा है, जबकि मैं कहता हूं कि 100% गलत है, क्योंकि फिल्म 1 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग नहीं ले पाएगी और कुल कमाई भी 8-10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। वहीं कंगना रनौत और उनकी फिल्म को लेकर केआरके के ट्वीट से सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के फैंस केआरके को काफी ट्रोल कर रहे हैं। फिल्म को लेकर ऐसी खबरें हैं कि वॉर पर आधारित इस फिल्म में देशभक्ति और एक्शन का शानदार कॉम्बो देखने को मिलेगा। ये फिल्म भारतीय वायुसेना की एक महिला पायलट तेजस गिल की जिंदगी पर बेस्ड है, जिसे पाकिस्तान में पकड़ लिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता रॉनी स्क्रूवाला है और ये फिल्म पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।